हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन आवर चैनल फेल टू पास। नेक्स्ट वीडियो में लेके आ रहा हूँ साइंस पार्ट टू का रिड्यूस सिलेबस फॉर यू गाइस। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला कि यार सर, बेसिकली फॉर 10th एसएससी स्टैंडर्ड के लिए। तो कल मतलब प्रीवियस वीडियो में मैंने साइंस पार्ट वन का डाला, आप चैनल पर देख सकते हो। और अभी साइंस पार्ट टू का जो रिड्यूस सिलेबस किया गया है वो प्रॉपर वे से यार बहुत मेहनत लगती है। बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन, मैं आपको बता दूं कि फॉर एसएससी स्टूडेंट 10 एसएससी सीबीएसई आईसीएसई स्टूडेंट्स वी आर लॉन्चिंग ऐप। अभी करंटली ऐप लॉन्च किया गया है, तो इट इज़ फॉर यू गाइस। उसमें बहुत सारी वीडियोज वगैरह अपलोड कर रहे हैं हम लोग। तो ट्रिग्नोमेट्री का पूरा चैप्टर अपलोड हो चुका है, नेक्स्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी आने वाला है। तो फिर तुम्हारे एग्जाम तक बहुत सारी वीडियोज वहाँ पे अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। तो वो है एक्चुअली गो इन प्ले स्टोर, देखो आपको यहाँ पे रेट दिख रहा होगा, फेल टू पास ऐप प्ले स्टोर में जाइए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। अगर नहीं मिला तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे देता हूँ, वहाँ मिल जाएगा। एज वेल एज माय नंबर इज आल्सो अवेलेबल इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन व्हाट्सएप मी। ओके, लेट्स स्टार्ट द सेशन। साइंस पार्ट टू रिड्यूस सिलेबस बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ कोविड 19। चलो गाइज पार्ट टू, ठीक है। जिसको पार्ट वन चाहिए होगा तो प्रीवियस वीडियो में मैंने डाला है गाइज। चलो ठीक है, लेट्स स्टार्ट द सेशन। मैं थोड़ा जाता हूँ, ये पूरा तुम्हारा बुक्स है, आपको एक टेक बुक से साइंस टू का निकाल के रख देना। एंड इन दैट टेक बुक जस्ट टेक द पेंसिल, और जैसे जैसे मैंने क्रॉस मार्क किया रेड पेन से, वैसे वैसे आप लोगों को भी करना है। ओके, तो यार ये पूरा चैप्टर है हेरिडिटी एवोल्यूशन, पूरा पूरा लाइफ प्रोसेस एंड ऑल जो भी है, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड ऑल इन ऑल। तो लेट्स सी नेक्स्ट। पहला चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, उसमें उन्होंने क्या कट किया, ये आप देख रहे हो, रेड कट, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन, सॉरी तीन पार्ट। एक्चुअली यू कैन से कैन यू टेल वाला पार्ट मैक्सिमम उन्होंने डिलीट किया गया। तो ये पार्ट हो गया फर्स्ट पेज का। सेकंड पेज में अगर हम लोग जाते हैं तो यार सेकंड पेज में कुछ कट नहीं किया गया। थर्ड पेज में इंप्रिंट इज माई फ्रेंड, वो कट किया। तो एक प्रॉब्लम है कि ये जो नोटिफिकेशन आया था वो मराठी में आया था। एक्चुअली मराठी तो मुझे पता है कि मराठी तो इंग्लिश में कन्वर्ट करना काफ़ी डिफिकल्ट था, बहुत सारे बच्चों को समझा नहीं है। तो ये जो कट वर्ड मारा है, वो जो रेड आपको कट दिखेगा वही कट आपको करना है, ठीक है। वो दो बॉक्सेस इंप्रिंट माय फ्रेंड, उसके नीचे वाला पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट जाते हैं, थर्ड पेज पे ये वाला पार्ट दिख रहा है, कैन यू टेल एंड यूज ऑफ आईसीटी, ये वाला पार्ट बेटा कट किया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट, ये वाला पार्ट यूज ऑफ आईसीटी, ये कौन से, ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है दिस ईयर ओनली बिकॉज ऑफ कोविड। ओके, ये वाला पार्ट इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट, ये पार्ट कर दिया गया। जो क्रॉस दिख रहा है वो आप क्रॉस करते जाना, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ मैं, ये वाला है चार्ल्स रॉबर्ट वाला पार्ट, डार्विन से, बहुत इंटरेस्टिंग साइंटिस्ट है, डार्विन का सिद्धांत वगैरह बहुत सारा है, वो कट किया गया। एज वेल एज ये जो साइंटिस्ट है उनको भी कट किया गया। तो आप सिर्फ क्रॉस देखते जा गया, उसके बाद इंटरनेट इज माय फ्रेंड के लिए दिया गया, ये वाला पॉइंट निकाल दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, यूज योर ब्रेन, ठीक है, कैन यू रिकॉल, ये वाला पार्ट निकाल दिया, ठीक है। जो ब्रेन दिख रहा है ये वाला पार्ट, ऑब्जर्वेशन वाला पार्ट, कैन यू टेल वाला पार्ट, ये भी निकाल दिया गया अगर आप देखो तो। उसके बाद आगे जाके हम लोग जस्ट गो इन हेड, ये वाला एटीपी करके, एटीपी वाला पार्ट है बेटा, दैट इज रिमूव्ड फ्रॉम योर सिलेबस दिस टाइम। आगे बढ़ते, ये वाला पार्ट है इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट, साइंटिस्ट वाला पार्ट, थ्री हैंड्स वाला पार्ट यहाँ से निकाला गया। आगे बढ़ते हैं, जस्ट गोइंग अहेड, ये वाला कैन यू टेल, ये वाला पार्ट, एज वेल एज ऑलवेज रिमेम्बर वाला पार्ट भी निकाल गया, ठीक है। नाउ आगे जाते हैं, ये वाला पार्ट यूज योर ब्रेन पर क्या गया है, एज वेल एज तुम्हारा इंटरनेट इज माई फ्रेंड। मैं चैप्टर वाइज जा रहा हूँ तो आपको ईजी पड़ेगा वो बुक में टिक मार्क करने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सेल डिवीजन वाला पार्ट भी निकाल दिया गया है, कैन यू टेल वाला पार्ट निकाल दिया गया, पेज नंबर 17 याद है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 18 में, कैन यू रिकॉल, ये वाला पार्ट निकाल दिया, व्हाट इज द शेप ऑफ क्रोमोसोम्स एंड ऑल जो भी है वो पार्ट निकाल दिया गया। आगे बढ़ते हैं, ये पार्ट सब यहाँ पे, ये वाला पार्ट निकाल दिया गया है, ट्राई दिस वाला, ठीक है। इसके बाद यूज योर ब्रेन वाला पार्ट, दिस इज ऑल्सो रिमूव फ्रॉम योर सिलेबस दिस टाइम, ठीक है, ट्राई योर ब्रेन। उसके बाद ये यूज ऑफ आई सी टी, बुक्स एंड माई फ्रेंड, बुक्स आर माई फ्रेंड, ये वाला पार्ट निकल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थर्ड चैप्टर में जाते हैं अभी, थर्ड चैप्टर का पहला पार्ट वो जो ऊपर कैन यू रिकॉल वो निकाल दिया गया। उसके
बाद अगर हम लोग आगे जाए तो 24 पेज पे ये वाला पार्ट निकाल दिया गया है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, वो वाला पार्ट निकाल दिया गया। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आप पेंसिल से आपके बुक पे क्रॉस कर सकते हो तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। स्पोर्ट्स ट्राई दिस वाला पार्ट निकाल दिया गया। ठीक है, पेज नंबर 25 आगे जाता हूँ। लेट्स थिंक वाला पार्ट पेज नंबर 26 पे जाते हैं, तो ये वाला पार्ट निकाल दिया गया। जो क्रॉस दिख रहा है वो अगेन दिस वाला पार्ट जो है, ये मेनी फ्लोवर वाला पार्ट टिल पोलिनाइजेशन से आते हुए उसको निकाला गया। आगे बढ़ते हैं। डू यू नो को निकाल दिया गया। यूज ऑफ ICT ये वाला पार्ट निकाल दिया गया है। ठीक है, वेरी सिंपल पेज 28 पेज पे ये ट्राई दिस वाला पार्ट इज रिमूव। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे वाला पेज सॉरी जो भी है, ये वाला पार्ट निकाल दिया गया जो आपने क्रॉस टिक किया बेटा। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ मैं। डू यू नो ये वाला पार्ट है एक्चुअली वन टाइप ऑफ कैलकुलेशन वाला पार्ट है। व्हेनेवर रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है या बेबी बॉर्न होता है उस टाइम का वाला पार्ट है एक्स एंड वाई, ये वाला पार्ट निकाल दिया। इसको डेवलपमेंट ऑफ एंड बर्थ ये वाला पार्ट भी निकाल दिया गया है बेटा। ठीक है, आगे बढ़ते पेज नंबर 31। पेज नंबर 31 पे जाएंगे तो ये वाला पार्ट इसको निकाल दिया गया। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। नाउ सी दिस पार्ट, इंट्रेंड इज माई फ्रेंड, उसको निकाल दिया गया बेटा। ठीक है, ये वाला पार्ट जो क्रॉस दिख रहा है आपको क्रॉस मारते जाना। ठीक है, आगे बढ़ते ये वाला पार्ट, उसके जस्ट नीचे वाला पार्ट है इसको भी रिमूव किया गया गाइस। ठीक है, डू यू नो दिस ये वाला उसके नीचे ब्रैकेट उसको भी निकल दिया गया। आगे बढ़ते हैं। नाउ सी द नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट चैप्टर पेज चैप्टर नंबर 4, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। लेट्स सी द फर्स्ट पार्ट इज रिमूव फ्रॉम एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, कैन यू रिकॉल वाला पार्ट निकाल दिया गया। आगे बढ़ते यार, ये पूरा तुम्हारे जो है डायग्राम प्रोसेसिंग वाला पार्ट निकाल दिया गया। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कैन यू टेल, कैन यू रिकॉल पार्ट इज ऑल्सो रिमूव यार, दिस पार्ट इज रिमूव फ्रॉम योर सिलेबस एज वेल एज ऑब्जर्व फीलिंग एंड इन्फॉर्मेशन वाला पार्ट भी निकाल दिया गया। आगे बढ़ते हैं, ये पूरा चार्ट है इट इज रिमूव। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड सॉइल पोल्यूशन इज रिमूव फ्रॉम दिस। ओके, आगे बढ़ते हैं। डू यू नो ये वाला पार्ट निकाल दिया गया। उसके बाद ये जो ब्रैकेट दिख रहा है पीक इन टू द हिस्ट्री, ये वाला पार्ट निकाल दिया गया। उसके बाद ये जो डायग्राम दिख रहा है कंप्लीट चार्ट, उसको निकाल दिया गया। जो निकाल दिया क्रॉस मारा मैंने वो आपको नहीं पढ़ना गाइस। उसके बाद ये वाला काफी चार्ट है, डू यू नो वाला, लेट्स डिस्कस वाला, इंटरनेट इज माय फ्रेंड इज रिमूव फ्रॉम दिस। ओके, एज वेल एज ये नीचे वाला पीरियड क्लास 49B 49 इसको भी निकाल दिया। पेज नंबर 41 पे आगे जाते हैं भाई। पेज नंबर 42 पे ये वाला पार्ट रखा है, सब निकाल दिया गया जो मैंने क्रॉस किया। ठीक है, आगे बढ़ते गाइस। दिस इज रिमूव, हाउ कैन आई बायोडाइवर्सिटी बी कंसर्व्ड वाला पार्ट, और नीचे जो दिया है चार्ट उसको रिमूव किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते यार। थिंक एंड आंसर वाला पार्ट रिमूव किया गया, ऊपर का पार्ट। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ता हूँ मैं। रिकॉल वाला पार्ट है, रिकॉल वाला पार्ट है रिमूव। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये वाला पार्ट निकाल दिया गया, प्लेज फॉर लाइफ एंड ऑल दिस पार्ट इज। अभी चैप्टर नंबर 5 पे जाएंगे, टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी। देखो थोड़ा स्पीड रहेगा, थोड़ा पॉज वॉज करके उसको देख लेना यार, इजी रहेगा। मैंने आपको यही बोला है कि आवर फेल टू पास का एंड्रॉइड ऐप इज अवेलेबल इन आवर डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो उसमें यार तुमको फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोज मिलेंगे, और स्पेशली हम लोग मैथ्स पहले कवर कर रहे हैं, देन साइंस, बहुत सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे यार। इट इज रियली हेल्पफुल, वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का ऑलमोस्ट सब खत्म हो चुका है वीडियोज। नाउ आई एम स्टार्टिंग विद द प्रोबेबिलिटी, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स जो डिफिकल्ट है उसको पहले कवर करूंगा, एज वेल एज देर इन दैट ऐप में आस्क योर डाउट करके मैंने ऑप्शन रखा है, तो उस पर अगर आप क्लिक करो तो यू कैन कनेक्ट विथ मी, तो यू कैन आस्क योर एनी डाउट ओवर देयर। ठीक है, मेरा इंट्रोडक्शन मैंने स्टार्टिंग में दिया ही नहीं, क्या माय नेम इज विनोद सर, आई एम टेकिंग द लेक्चर ऑफ 9th-10th CBSE ICSE SSC बोर्ड का मैथ्स एंड साइंस डिपार्टमेंट, एज वेल एज आई एम टेकिंग द लेक्चर ऑफ 11th-12th साइंस मैथमेटिक्स एज वेल एज फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आल्सो। ठीक है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना भाई। नाउ सी द 5th रहा, टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी। ठीक है, 2 मिनट्स वाली गाइस, 2 मिनट थोड़ा ऊपर लेता हूँ उसको, नीचे आ गया हो तो वेट फॉर 2 मिनट गाइस, मैं उसको उस वहां पे लेके आता हूं। ठीक है, ये तो मेरा जस्ट हम लोग कहां पहुंचे थे यार, निकाल दिया गया। उसके बाद मेक अ टेबल वाला पार्ट निकाल दिया गया, जो क्रॉस दिख रहा है वो क्रॉस आपको करना। ठीक है,
If you have any query, you can WhatsApp me. My WhatsApp number is available in the discussion box. As well as our app, jo hai, friend to pass wala, jo hai, wahan pe bhi, you can connect with them. Aage badhte hain. Next para, next. Yeh 49 ka page ka jo dekho, use of ICT wala part nikal diya gaya, guys. Okay. Do you know this wala place wala ye part nikal diya? Jo jo dikha hai, cross maarte jana. Yahan pe internet is my friend cross hai, usko nikal diya gaya. उसके बाद ये कंपेयर वाला पार्ट है, ऑब्जर्वेशन वाला, वो वाला पार्ट निकाल दिया गया है, पेज नंबर 51 वाला पार्ट, सॉरी, हाँ बराबर. उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग यार, ये वाला पार्ट 52 वाला जो पार्ट है यार, वो निकाल दिया गया, प्लेस, स्टेट एंड कैपेसिटी. उसके बाद ये पूरा चार्ट ही निकाल दिया, ये वाला कि इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेशन एनवायरमेंट, एक्चुअली काफी इजी था, बट ठीक है, इट इज रिमूव, नो प्रॉब्लम. उसके बाद नीचे वाला पार्ट भी, थर्ड पार्ट इज ऑल्सो रिमूव. आगे बढ़ते हैं, यूज योर ब्रेन वाला जो है, ये वाला पार्ट क्रॉस कर दिया गया है. आप पॉज करके देखना यार, तो शायद आपको मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मिस हो. अगर कुछ गड़बड़ आपको डाउट है तो यू कैन व्हाट्सएप मी, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू यार. ठीक है, डू यू नो वाला पार्ट निकाल दिया गया, उत्तराखंड वाला तैयार नहीं, जो भी है वाला पार्ट इज रिमूव. उसके बाद दिस पार्ट इज रिमूव, होम वाइन फार्म ऑफशोर वाइन, जो भी वाला पार्ट राइट में भी देखो ये निकाल दिया गया. ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं. उसके बाद हाँ, फाइंड आउट दिस पार्ट इज ऑल्सो रिमूव. ओके, फाइंड आउट वाला पार्ट है, आपको सिर्फ पेंसिल लेके क्रॉस करना है यार. ओके, आगे बढ़ते हैं, 60 में कुछ नहीं. हाँ, नाउ चैप्टर नंबर 6, मैं चैप्टर नंबर 6 इसलिए बता रहा हूँ आपको याद पता रहेगा कि क्या रिमूव किया है, एनिमल क्लासिफिकेशन मेरा. नाउ सीधे चैप्टर नंबर 6, उसमें क्या रिमूव किया गया है, फर्स्ट पेज में तो कुछ नहीं, बस सेकंड पेज में जो क्रॉस मारा है उतना पार्ट रिमूव किया गया. ये वाला पार्ट, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन वाला पार्ट इज रिमूव यार, उसको रिमूव किया गया है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये वाला पार्ट 63 पेज नंबर पे एट द प्रेजेंट, ये वाला जो लास्ट की चार पांच लाइन दिख रहे हैं उसको रिमूव किया गया. उसके बाद ये जो पूरा ब्रैकेट, ये जो क्रॉस किया है ना पूरा, उसको निकाला गया. पेज नंबर 64, पेज नंबर 65 पे फुल पेज को रिमूव किया गया, फुल 65 पेज को पूरा अपट मार दो तो भी चलेगा, पूरा ही निकाल दिया गया. अगेन 66 को भी पूरा निकाल दिया गया, ये काफ़ी अच्छा बड़ा इन चेंजेस है, अदरवाइज यार वो नॉर्मल निकालते थे. 68 पेज पे यार डू यू नो वाला पार्ट निकाल दिया गया. ठीक है, उसके बाद उसी पेज पे सरप्राइजिंग एंड इन्फॉर्मेशन वाला पार्ट निकाल दिया गया. नेक्स्ट पेज पे इंटरेस्ट माय फ्रेंड को निकाला गया, देखो यहाँ पे बड़ा कलेक्शन द इन्फॉर्मेशन. ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं, उसी पेज पे अगर जाओ तो गेट इन्फॉर्मेशन वाला पार्ट है, देखो नीचे की तरफ उसको निकाल दिया गया. उसके नीचे यार लेट्स थिंक वाला पार्ट को निकाल दिया गया. ठीक है, आगे बढ़ता हूँ मैं, सरप्राइजिंग इन्फॉर्मेशन बुक्स आर माय फ्रेंड्स निकाल दिया गया. उसके बाद द सर्टन सिचुएशन डू यू नो वाला पार्ट को निकाल दिया गया. ठीक है, उसके बाद आगे बढ़े 71 पेज हो गया. अभी 72 से कुछ नहीं, 73 से कुछ नहीं, 74 का लास्ट वाला पार्ट है उसको निकाल दिया गया, यूजर ब्रेन को निकाला गया. 75 का ऊपर के जो तीन बॉक्सेस है उसको निकाल दिया गया है. ठीक है, 75 वाला. अभी मेरे कैसे नेक्स्ट टॉपिक से इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी. इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी में अगर आप लोग जाते हो तो पहले पेज पर अगर ये डाइट प्रोडक्ट्स वाला पार्ट है उसको निकाल दिया गया. उसके बाद नीचे जाता हूँ, ये लिस्ट थिंग वाला पार्ट है, डू यू नो वाला पार्ट है, उसको निकाल दिया गया गाइस. उसके बाद नीचे में जाता हूँ तो यार ये फ्रूट माइक्रोबेस यूज, ये पूरा चार्ट आपको दिख रहा है उसको निकाल दिया गया. उसके बाद नीचे जाता हूँ तो ये वाला यूज योर ब्रेन वाला पार्ट उसको पूरा निकाल दिया, और सर्च वाला पार्ट भी पूरा निकाल दिया गया. तो गाइज काफ़ी सिलेबस, उसके बाद साइंस वन में मैंने देखा था, जस्ट मिनट पानी पी रहा हूँ. मेरे एनालिसिस के हिसाब से साइंस वन में ज़्यादा पार्ट निकाला नहीं गया था, पर साइंस टू का काफ़ी पार्ट निकाला. और एक बात बता दूँ यार, मुझे तो ऐसा लग रहा है ये लोग कुछ नॉर्मल से ही निकाल रहे हैं, तो आपको पढ़ना तो सभी पड़ेगा यार, तो पढ़ के रखना, आगे 11th 12th में बहुत काम आएगा. आई विल टीच यू कि 11th 12th में बहुत इंपॉर्टेंस है, JEE नीट MSc CT अगर IIT करना है तो आपको तो सब पढ़ना पड़ेगा यार. ठीक है, और डोंट वरी, आई विल हेल्प यू. आपको पता होगा कि दिस ईयर अवर कट ऑफ JEE का 99.43% आया है, इवन 12th में भी काफ़ी अच्छा स्कोर है. तो आई विल हेल्प यू इन दैट. और ऐप को डाउनलोड करना भूलना मत, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे आने वाली है. ठीक है, एवरीडे वी आर अपलोडिंग वीडियोस ऑन देयर. ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक अपलोड हो चुका है. नेक्स्ट, ये वाला पार्ट कैन यू टेल वाला पार्ट निकाल दिया गया है. ठीक है, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ, ये वाला पार्ट लेट्स थिंक वाला पार्ट को निकाल दिया गया. भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बहुत सारे 10 के वीडियोज आने वाले हैं. ठीक है, आगे कैन यू टेल वाला पार्ट को निकाल दिया गया, क्लीन टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है, 84 पेज नंबर 85 पे ये वाला कलेक्शन पिक्चर्स वेरिएशन दिस पेज इज रिमूव, इंटरेस्ट माई फ्रेंड वाला. उसके बाद नेक्स्ट पेज में जाता हूँ मैं, 87 सेल बायोलॉजी वाला. देखो यार, सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, अगर देखो बेसिकली अगर आप यू आर इंटरेस्टेड इन
क्या बोलते हैं इसको, नीट एग्जाम्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल बायोलॉजी में बायो, सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी वाला पार्ट रिबूट, इसमें से यार व्हाट इज सेल ये वाला पार्ट निकल गया है। उसके बाद नीचे वाला पार्ट ऑब्जर्वेशन, ये भी निकल गया है, ठीक है। देन ड्यूरिंग फर्दर जो 4-5 लाइन उसको निकाला गया। उसके मैं यही बता रहा था कि अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो यार ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। अगर आपको मेडिकल जाना है तो MBBS, अगर इंजीनियरिंग है तो JEE। यूज योर ब्रेन, ये वाला पार्ट जो ऊपर वाला पार्ट निकाल दिया गया। उसके बाद नीचे में जाता हूँ, इंटरनेट इज माई फ्रेंड इज ऑल्सो रिमोट फ्रॉम दिस। उसके नीचे ऑलवेज रिमेंबर वाला पार्ट को निकाल दिया गया बेटा, ऑर्गन डोनेशन वाला पार्ट निकाल रिमोट, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी, वो सब है रिकॉल, वो उसको निकाला गया। पेज नंबर 91, पेज नंबर 92 का जो कूपर का ब्रैकेट है उसको पूरा निकाल दिया गया। पेज नंबर 90 आगे जाएंगे तो यूज ऑफ आईसेट उसको निकाल दिया गया है। 93 पे, 94 पे डू यू नो वाला पार्ट है उसको रिमूव किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते जो कट मारा है ना रेड पेन से दिख रहा है उसको यार तुम लोग भी कट मार के रख देना, ठीक है। उसको एंट्रेंस में फ्रेंड को निकाल दिया गया और बाकी जो ब्रैकेट है उसको रिमूव, उसके नीचे वाला जो पार्ट है पिक्स इन टू हिस्ट्री, सॉरी पिक इन टू हिस्ट्री दिस पार्ट इज ऑल्सो रिमूव, ठीक है। उसके बाद ये वाला पार्ट है, दिस इज फॉर 2021, ये वाला जो पार्ट है क्लीनिंग ऑफ ऑयल स्पिलिंग ऑशियंस इज ऑल्सो रिमूव। उसके बाद ये वाला पार्ट है इंटरनेट माई फ्रेंड, इंटरनेट इज माई फ्रेंड वाला पार्ट निकाल दिया गया है, ठीक है। उसके बाद आगे जाता हूँ मैं, आ गया यहाँ पे कुछ 99 पे कुछ नहीं निकाला गया है। 99 सोशल हेल्थ करके टॉपिक्स है तुम्हारा, सोशल हेल्थ 9 टॉपिक्स बहुत ही यार कुछ है नहीं इसमें। इसमें से क्या रिमूव किया गया, दोबारा ये डायग्राम रिमूव कर दिया गया है एडिक्शन वाला पार्ट, मेरे ख्याल से टॉपिक्स भी रिमूव किया होगा, किया है। उसके बाद थिंक वाला पार्ट इसको रिमूव किया गया है। उसके बाद नीचे कंपेयर वाला पार्ट रिमूव किया, 103 वाला पार्ट। उसके बाद रिकॉल एंड लिटिल उसको रिमूव किया गया। उसके बाद ये यूटिलिटी माई फ्रेंड विजिट वेबसाइट उसको रिमूव किया गया। उसके बाद डू यू नो वाला पार्ट है IT एक्ट 2020 उसको रिमूव किया गया। उसके बाद अगर आप लोग आगे जाएँ तो यहाँ पे कुछ 108 तक कुछ नहीं, 109 डिजास्टर मैनेजमेंट आई थी, सो दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ योर्स। उसमें से यार पहला पार्ट कैरी रिकॉल वाला पार्ट इज रिमूव, ओके। उसके बाद अगर मैं आगे जाता हूँ तो उसको उसमें से ज़्यादा कुछ रिमूव किया ऐसा लगता तो नहीं मेरे को, डू यू नो, नहीं 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 यहाँ पे कुछ रिमूव नहीं किया गया है। हाँ 115 पे अगर हम आते हैं तो ट्राई दिस वाला पार्ट इज रिमूव, स्ट्रक्चर ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज वाला रिमूव किया गया। गेट इन्फॉर्मेशन वाला जो पार्ट है विजिट द डिजास्टर कलेक्टर्स ये रिमूव किया गया, ठीक है 115 वाला। उसके बाद 116 नहीं उसमें, हाँ 118 का इंटरनेट इज माई फ्रेंड को रिमूव किया गया है ये वाला पार्ट 118 में। 119 120 आई थिंक सो, देखो दिस इज एंड एक्चुअली, इतना पार्ट जो आपको मैंने दिखाया तो दैट पार्ट इज रिमूव फ्रॉम यूअर सिलेबस, ओके। तो इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट की माई नेम इज विनोद, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बहुत सारे वीडियोज आने वाले इन दिस चैनल एज वेल एज अपना एंड्रॉइड ऐप इज ऑलरेडी अपलोडेड ऑन प्ले स्टोर, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, हाल ही में हमने प्ले स्टोर पे डाला है। तो ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक्स इज ओवर देयर फॉर SSC स्टूडेंट्स, अपर ट्रिग्नोमेट्री पूरा चैप्टर मैंने वहाँ पे डाल दिया है। यू आर सॉल्विंग प्रैक्टिस सेट, यू आर सॉल्विंग प्रॉब्लम सेट्स ओवर देयर एज वेल एज यूर कमिंग विद द प्रोबेबिलिटी एंड बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स वो मैं लेके आ रहा हूँ। तो माय इंट्रोडक्शन इज दैट कैम टेकिंग द लेक्चर ऑफ 9-10 CBSE ICSE SSC स्टूडेंट्स एज वेल एज 11-12 साइंस MSc CET JEE नीट, ये सब हम लेते हैं। तो ये चैनल के साथ आप लोग जुड़े रहना, यू आर गेटिंग लॉट ऑफ बेनिफिट्स फ्रॉम दिस और ऐप डाउनलोड कर देना गाइस, ओके। इफ एनी क्वेरी तो डिस्क्रिप्शन माय नंबर इज अवेलेबल, यू कैन व्हाट्सएप में, प्लीज व्हाट्सएप में, डोंट कॉल। एंड इन आवर ऐप देयर इज वन ऑप्शन आस्क योर डाउट करके भी, तो वहाँ पे यू कैन आस्क योर डाउट। वन मोर थिंग इज दैट यू कैन आस्क योर वेब वंस सम स्टूडेंट्स आर कमिंग ऑन दैट ऐप, तो ऐप पे ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट आ चुके हैं, जैसे और स्टूडेंट आते हैं तो व्हाट आई एम प्लानिंग टू टेक द लाइव सेशन फॉर दैट स्टूडेंट, लाइव वीडियो भी लेंगे, लाइव भी लेंगे और डाउट भी लेंगे। डाउट सेक्शन ऑल्सो अवेलेबल, आस्क योर डाउट करके ऑप्शन है वहाँ पे आपको वो मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करोगे आई कैन सॉल्व योर डाउट्स ओवर देयर, ठीक है गाइस। तो थैंक यू फॉर दिस, एंड ऐप फ्री, ऐप पे कोई चार्जेस नहीं है, ठीक है गाइस, ओके, थैंक यू फॉर दिस सेक्शन, बाय बाय।